नमस्ते बच्चों, मैं हूँ प्रीति। क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? अगर हाँ तो मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी है कबूतरों का झुंड। एक दिन कबूतरों का झुंड भोजन की तलाश में आसमान में उड़ रहा था। कुछ समय बाद झुंड के राजा को एक पेड़ के नीचे बिखरे चावल दिखाई दिए। उसने सभी पक्षियों को पेड़ के पास उतरने और भोजन का आनंद लेने का संकेत दिया, तो सभी कबूतर उतरे और चावल खाने लगे। यह वास्तव में एक शिकारी द्वारा तैयार किया गया जाल था। शिकारी ने कुछ चावल फैलाए थे और उसके लिए कुछ पक्षियों के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उन्हें पकड़ सके। जब सभी कबूतर जमीन पर उतरे तो शिकारी ने उन पर जाल फेंका और सभी पक्षी जाल के नीचे आ गए। उन्होंने एक शिकारी को पास आते देखा। कबूतरों ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी कबूतर उम्मीद खोने लगे और घबरा गए। हालांकि राजा के पास एक विचार था। राजा ने सभी कबूतरों को सलाह दी कि वे शांत रहें और अपने साथ जाल लेकर उड़े। प्रत्येक कबूतर ने जाल का एक हिस्सा उठाया और वे अपने साथ जाल लेकर उड़ गए। शिकारी यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कबूतरों के राजा ने झुंड को पास की एक पहाड़ी पर उतरने के लिए कहा, जहाँ एक चूहा रहता था जो उनकी मदद कर सकता था। चूहे ने कबूतरों के झुंड को पहाड़ी पर उतरते देखा तो वह उनके पास आ गया। कबूतर राजा ने उससे जाल काटने और पक्षियों को मुक्त करने का अनुरोध किया। चूहे ने जाल काटना शुरू किया और एक एक करके सभी कबूतर मुक्त हो गए। उन सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उड़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता ही शक्ति है, विभाजन ही कमजोरी है, और कठिन परिस्थिति में अपना आपा न खोए। तो बच्चों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। हम अगली कहानी में मिलेंगे।